All right. Very, very excited. मैं इतना excited हूँ किसी के पीठ को मैं तोड़ने वाला हूँ, तो हग करके बहुत ही excited हूँ. सुनाई नहीं दे रहा है. बहुत, उनके बिना ये सब होता नहीं. नहीं, जब से वो गए हैं तब से मैंने बात नहीं की. मैं उनका प्राइवेसी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ. वो जब बात करना चाहेंगे तो बात करेंगे. सॉरी, आपकी अराउंड ऑफ योर कौन है, आप सबसे प्रॉमिसिंग कौन है ट्रैक में? आई कांट हियर यू एट ऑल. सबसे प्रॉमिसिंग आपको कौन लगते हैं ट्रैक में? अच्छा, मुझे छोड़ के प्रद्युमन, प्रद्युमन कमाल का एक्टर है. अनुजा साठे जो है वो भी कमाल के एक्ट्रेस है. उन दोनों में से ज़रूर आना. कमाल की पिक्चर है ये, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ. ज़रूर आना. थैंक यू. मैं आपके पास ही देखता हूँ ना सीधा. अरे बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है. क्योंकि एक ऐसे जैसे अपना बच्चा जब पैदा होने वाला होता है उस टाइप की एक्साइटमेंट है. क्योंकि इतना साल, इतने साल लगे हैं, 1.5 साल कम से कम इस पिक्चर पे हम काम कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा एक उम्मीद भी है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म. एक अलग कॉमेडी है. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मतलब ऑब्वियस है. हमारे साथ वो प्रमोशंस में नहीं है, लेकिन हमारा उसके साथ एक कांटेक्ट है और हम उनको बताते जा रहे हैं कि कैसे हमारी फ़िल्म को अप्रिसिएशन मिल रहा है क्रिटिक से और इंडस्ट्री के बाकी के लोगों से. तो बहुत एक्साइटमेंट है. मिस भी कर रहे हैं उनको बहुत. अगर वो होते यहाँ पर तो और भी मज़ा आता, चार चांद लग जाते. देखिए क्या है ना कि कोई भी पिक्चर का असली कॉम्प्लीमेंट दो जगह से आती है. एक तो ऑडियंस और दूसरा होता है कि हमारी इंडस्ट्री के बाकी के लोग जो दिग्गज हैं, जो डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं. जैसे बच्चन साहब ने हमें इतना सराहा है कि फ़िल्म को कि बहुत बहुत उम्दा रिव्यू दिया है उन्होंने. फिर सारे क्रिटिक्स अब तक तो यू नो बहुत मज़ेदार रिव्यूज़ मिल रहे हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो एक मैं जिसके लिए रुका हूँ वो है ऑडियंस का रिएक्शन. तो उनका जब रिव्यू आएगा तब असली बात है. देखिए अभी नर्वस होने का वक्त चला गया है क्योंकि तीर कमान से तो निकल चुका है. तो अब तो नर्वसनेस नहीं है, अब एक्साइटमेंट है बस. और ऑडियंस को सर बस इतना बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अलग किस्म की कॉमेडी है. अगर आपने मेरी दिल्ली वैली फिल्म देखी होगी तो उसके बाद कह सकते हैं कि कॉमेडी में मेरी ये सेकंड फिल्म है. हमारी कोशिश तो बहुत रही है कि लोगों तक कुछ एक स्लाइटली डिफरेंट लेकिन फिर भी ये एक यूए फिल्म है और जिसमें इरफान खान ने मेरे ख्याल से उनके करियर का एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिया हुआ है. मैं इतना तो प्राउडली कह सकता हूँ कि ये मेरे करियर का तो सबसे बेस्ट फिल्म है. तो आइए देखिए और शायद
आपको भी मज़ा आया, जितना हमें बनाने में मज़ा आया उतना ही आपको देखने में आया। थैंक यू, थैंक यू। I've already seen the film yesterday, so I'm even more excited after watching the film. I think it's a superb, superbly funny and quirky film. And today, the cast and crew is watching, and a lot of other industry people are watching elsewhere. So I'm going to watch it again today. I'm very excited about watching it again, and the most excited about the release, which is 2 days later. Bahut. I think we're all missing, have been missing Irfan for a while now, and. You know, D-Day is coming closer, which is like just day after tomorrow, and of course, we really wish he was with us. Sorry? बहुत लोगों ने मंडे से आई थिंक स्क्रीनिंग्स चल रही हैं एंड लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल आर वॉचिंग मीडिया हैज़ प्रीटी मच वॉच द फिल्म एंड रिव्यूज़ आप सभी के सामने हैं एवरी वंस रियली इन्जॉयड द फिल्म एंड पर्सनली मुझे ऑफकोर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दैट बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो थिंक दैट आई हैव बीन वेरी बोल्ड इन मेकिंग अ चॉइस लाइक ब्लैकमेल द काइंड ऑफ कैरेक्टर आई एम प्लेइंग सो आई थिंक दैट्स फॉर मी इज एन इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट मैं बस ये कहना चाहूँगी ट्रेलर आप देख चुके हैं एंड अगर आपको पसंद आया है तो फिल्म उससे भी बहुत बढ़िया है यू विल हैव सो मच मोर फन वॉचिंग द फिल्म सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट विद योर होल फैमिली इट्स अ यूए सर्टिफिकेट तो 12 इयर्स के अबव सब देख सकते हैं सो गो एंड हैव सम फन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फन गो ऑन अ वेरी वेरी डिफरेंट राइड विद ब्लैकमेल थैंक यू इंडस्ट्री स्क्रीनिंग है और हमारा कास्ट एंड क्रू भी स्क्रीनिंग है तो पूरा यूनिट हमारा जो इतने मतलब इतना जान लगा के काम कर रहा था एवरीबडी विल वॉच द फिल्म टुडे एंड आई थिंक दे आर गोना लव इट दे आर गोना लव देयर वर्क बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सब ने तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं अब तक सो टचवुड बहुत ज़्यादा सो बेसिकली सेट में आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेलीविजन बैकग्राउंड और हमें पता है दैट ही ऑल्सो स्टार्टेड विद चंद्रकांता उन्होंने भी टेलीविजन के दिन देखे हैं तो आई थिंक वो एक बहुत एक कनेक्शन पॉइंट था हमारा बीच में एक कॉन्वर्सेशन के लिए सो वी हम लोगों ने बहुत गप्पे मारे टेलीविजन के बारे में और बहुत अच्छा एंड नाइस एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन था एवरीबडी इज लविंग द फिल्म और मेरा कैरेक्टर बहुत ट्विस्टेड है तो कभी कभी ये भी कमेंट सुनने को मिलती है दैट बहुत गुस्सा आया तुम्हारा और अच्छा लगा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ
तो आई थिंक दैट्स माई दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट बिकॉज ऐसा ही मज़ेदार कैरेक्टर है मेरा जिसका गुस्सा आ सकता है. सो आई थिंक या आई एम गुड. लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप ब्लैकमेल को बिल्कुल 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 पसंद करने वाले हैं और प्लीज़ जाइए थिएटर में 6 अप्रैल को और हमारी फिल्म देखिए. यू विल लव इट एंड यू विल डाई लाफिंग. थैंक यू. थैंक यू सर.